कि नहीं, बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। जैसे सब लौंडो, सच बताना, तुम सब ने बचपन में बिस्तर गीली करी करी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, मैडम फिर भी नहीं रहे, लेकिन मजा भी आ रहा है, तो हम भा देते हैं उसको मजे में। किरण कह रही है मजा ही नहीं ले रही है यार। Things will go dark next few minutes. इसलिए मुझे अमिताभ बच्चन पे फुल रिस्पेक्ट है, वो नहीं डरता ऐसे कोई भी सिचुएशन से। तुम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है कभी सोचा है? इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रेजिक स्टोरी लेके। सर मेरी माँ की एक ही टांग है, वो फिर भी मुझे वॉक पे ले जाती है। मेरी बहन टकली है सर, उसकी मांग नहीं मिलती। समय भाई की डार्क कॉमेडी बस वहीं तक फनी था। क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, क्या है डार्क कॉमेडी देखने में, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे तो हो नहीं, जब तुम्हें पता चल गया, इस वर्ड का मतलब भी पता चल गया कि वो डार्क कॉमेडी है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भड़क लेनी नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सा ग्रो अप करो। तुम्हें पता ही डार्क कॉमेडी का मतलब क्या है, तो फिर तो पॉइंट नहीं है ना। देखो क्या दिक्कत है, कहाँ डालेगी वो सिंदूर सर? तुम लोग हंस रहे हो बेशर्मा, उसकी बहन टकली है भाई, गरीबों पे हंसोगे तुम, नरक जाना है कि तुम्हें? अमिताभ बच्चन हंसता है क्या? गरीब कैसा लगा महंगी कुर्सी पे बैठ के? करता है क्या? नहीं करता। अमिताभ बच्चन में जिगरा है भाई। तुम देखो कभी भी गरीब को ऐसा लगने देता कि वो दोनों ऐसे इतना उनमें वो डिफरेंस है पैसे का ना, वो कभी भी गरीब को होप देता है। अगर आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत के जाए तो इतनी धनराशि का क्या की? क्या करेंगे आप? जो वो गरीब कभी नहीं जीतता है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा, कौन बनेगा करोड़पति में, करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है। फिर भी हर हफ्ते आता है, आज कौन बनेगा करोड़पति? तुम बन रहे हो करोड़पति, हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, शो का नाम रखो और कौन बनेगा करोड़पति? और तो कोई भी नहीं बनता है भाई, फिर भी वो गरीब को हर हफ्ते पूछता है क्या करेंगे आप यहां से 1 करोड़ रुपए जीत के। अब गरीब को पता नहीं सार्कैज़म है, गरीब आंसर लिख के आया घर से, सर मेरी माँ का इलाज कराऊंगा सर, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, मेरे गांव में बिजली नहीं है सर, पापा ने सारी ट्यूबलाइटें खा ली, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, और पीछे मेरी पीपीटी चल रही है, उसकी माँ मर रही है। My point is, पूरी ट्रेजिक सैड स्टोरी बताने के बाद जब ये गरीब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही गलत लॉक करा के बैठा है, तब अमिताभ बच्चन को तो पता है ना कि अब इसकी मां मरने वाली है, वो थोड़ी ना ऐसी आने देता कि अफसोस गलत जवाब, आपकी मरती है मां, जिसकी मरी मम्मी उसका भी बड़ा नाम है। घबराइए मत बेटे, कभी नहीं कहता ऐसे वो गरीब को, गलत डार्क है भाई, और ना ही वो किरण खेर की तरह डर जाता कि वो मैं क्या करूं उसकी मां मरने वाली है, वो गरीब को गलत डार्क है भाई, और ना ही वो किरण खेर की तरह डर जाता कि वो मैं क्या करूं उसकी मां मर जाएगी। नहीं शर रिपीटिव, हां सही बात है, अमिताभ बच्चन एज द बॉस, ग्रुप स्टडी देखो, देखेंगे जब भी ऐसे गज द बॉस, ग्रुप स्टडी देखो, देखेंगे जब भी ऐसे गरीब एक गलत आंसर पे लॉग रहता है ना, अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में आंखें डालता है, अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में आंखें डालता है और बोलता है, देखिए आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित हैं, जस्ट सेइंग, और आपकी मां के पास एक भी नहीं, क्या गंदे लोग आए हो तुम लोग यार, तुम तो सर नरक जा रहे हो भाई। अब अगर हम नरक जा ही रहे हैं उसमें भी मजा है, तो चलें क्या और एक कदम आगे फिर चलना है ठीक भाई। देखो चैरिटी जो है ना भाई, अच्छी बात है करनी चाहिए यार, लेकिन
चैरिटी नहीं, मतलब जैसे मैं चैरिटी देख रहा था, ठीक है, उसमें एक 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए 2 महीने का। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा आता, मैं सर एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना Inflation is rising. अगर ओमेगा 3 डीबीएच चलाऊं